गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, दिस इज अवर साइंस क्लास. सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर साइंस बुक बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास बुक होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए एंड ओपन द पेज नंबर 21 वेयर यू विल गेट योर एक्सरसाइज. एंड दिस इज आवर नाइन्थ वीडियो इन विच द हाफ पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज इज कवर्ड. आज मैं आपको एक्सरसाइज का हाफ पोर्शन ही कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस और वन वर्ड आंसर. ओके, सो वी स्टार्ट विद द टेक द करेक्ट ऑप्शन. हम टेक द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्बीवोर, कौन सा इनमें से एक हार्बीवोर है, लायन, गोट, ईगल या लिजार्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, येस गोट, टिक कर लीजिएगा. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन, फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओसोफेगस में. माउथ में स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, हम जो बच्चों में फर्स्ट सेट ऑफ टीथ निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिल्क या डिसीडियस टीथ. तो ये हमारा तीनों ही सेम है, सिनोनिम है एक दूसरे के, तो इसलिए आप इन्हें ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा. फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, फीसेस जो हमारा है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, विली, लीवर, रेक्टम या एनस. एनस के थ्रू निकलता है बाहर. बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, टिक कर लीजिए. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वन वर्ड आंसर है, लेकिन इनमें आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप डायरेक्टली वन वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे. नेम द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, तो आपको लिखना है द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज एसिमिलेशन. तो आपको कैसे लिखना है, आंसर वन जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज एसिमिलेशन. सेकेंड है वेयर आर द विली लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कनाल, तो आप लिखेंगे द विली इज लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कनाल इन स्मॉल इंटेस्टाइन. द विली इज लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कनाल इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर. इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वॉटर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, वॉटर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन. वॉटर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है वेयर इज अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन आर बॉडी टिल इट पास्ड आउट, तो द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन आर बॉडी टिल इट पास्ड आउट इन रेक्टम. फिर है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रुमिनेंट्स नॉट बाय ह्यूमंस, तो आपको लिखना है सेल्युलोज, यहां से स्टार्ट करेंगे सेल्युलोज, उसके बाद लिखना है सेल्युलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस. अब आप टर्न करिए पेज को, एक्सरसाइज नंबर ई फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. एक्सरसाइज नंबर ई फिल इन द ब्लैंक्स, अमीबा इन गर्ल्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फास्ट फीट नोन एज सीडोपोडिया PSEUDOPODIA इन मस्कीटो एंड बटरफ्लाई माउथ इज मॉडिफाइड इन टू प्रोबोस्किस, लिखिए प्रोबोसिस PROBOSCIS ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, द मूवमेंट ऑफ मसल्स of esophagus to push the food down to the stomach is called peristalsis. PARISTALSIS peristalsis. Next है dash acid is released by the stomach. Hydrochloric acid is released by the stomach. Next है the partially digested food that is chewed again by the ruminants is called cut. Most animals and human beings cannot digest hay and grasses. Exercise number F देखिए, मैं as the column, small intestine, absorption of digested food, bile, digestive juice secreted by liver, anus, release of feces, stomach, J-shaped bag-like structure, rumen, part of stomach in a grass-eating animal, ingestion, टेकिंग इन द फूड. ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने अभी एक्सरसाइज कवर अप किया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर सी और डी को कवर अप कर लेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.